नमस्कार, लिट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। भारत में सरकारी नौकरी का बहुत चाव होता है। हर कोई चाहता है कि वो सरकारी नौकरी करे। उसका रीजन है कि इससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो परिवार के नौकरी में रहते भी काम आती हैं और कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी काम आती हैं। जैसे कि ये जो कुछ सुविधाएं हैं उनमें पेंशन है, मृतक आश्रित की नौकरी है, ये बड़े चार्म होते हैं जिसकी वजह से लोग सरकारी नौकरी में जाना पसंद करते हैं। लेकिन मृतक आश्रित से जुड़े हुए जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है वो काफ़ी टफ होती है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल होते हैं। आज हम इस वीडियो में उन्हीं का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मृतक आश्रित की नौकरी लेने के लिए समय सीमा क्या होती है, योग्यता क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं और क्या नियम और शर्तें होती हैं। तो ये सब सवाल आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये सब काम काज जो होते हैं सरकारी दफ्तर के अंदर, उसको करने के लिए एक कार्मिक विभाग होता है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उनकी पदोन्नति कैसे होने वाली है, उनके डॉक्यूमेंटेशन क्या होने हैं, तो वो ये विभाग पूरे नियम और कायदे देखता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्मिक विभाग होते हैं, अलग अलग विभागों यानी कि जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि अभी बिहार में 2013 तक ये नियम था कि विवाहित पुत्री को नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन बाद में इसमें संशोधन हुआ और विवाहित पुत्री को भी परिस्थितियों को देखने के बाद ये नौकरी मिलने लगी। ऐसे ही कुछ संशोधन के मुताबिक ये भी किया गया, मृतक आश्रित के विवाहित पुत्र को भी नौकरी मिलने लगी, पहले नहीं मिलती थी। लेकिन इसके लिए कुछ फिक्स नियम भी हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। जैसे आपको जानना चाहिए कि मृतक आश्रित की नौकरी पानी है तो आवेदन के लिए समय सीमा क्या है। इसके लिए आपको 30 से 90 दिन के अंदर अंदर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर देना चाहिए, क्योंकि डिले करने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि समय और भी रहता है, लेकिन ये सबसे सही समय है। इसके अलावा जो फिक्स नियम है वो ये कहता है कि नाबालिग होने की स्थिति में 18 साल की आयु पूरी कर लेने के बाद बालिग होने के 3 साल के अंदर अंदर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर देना चाहिए। इसके अलावा अधिकतम ये जो समय सीमा है वो 40 साल की है, तो ये उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर दें। लेकिन बेहतर होगा कि आप एक बार उस डिपार्टमेंट में जाकर, कार्मिक विभाग में जाकर पूरी नियम और शर्तों को ध्यान से देख और पढ़ लें। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें वारिसान सर्टिफिकेट मेन होता है, जो कि अगर मान लीजिए हर सरकारी कर्मचारी की एक सर्विस बुक होती है, उस सर्विस बुक के अंदर उसकी पत्नी का नाम या पति का नाम मेंशन रहता है। तो अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उस स्थिति में वो जॉब ऑटोमेटिकली उसको मिल जाती है। लेकिन यदि पति या पत्नी उस जॉब को लेने की स्थिति में ना हो तो वो NOC देकर यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देकर ये जॉब किसी दूसरे को दे सकता है, जैसे वो अपने पुत्र या पुत्री को दे सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे ना हो तो उस स्थिति में दूसरा कोई रिलेटिव उस नौकरी को ले सकता है, लेकिन उस नौकरी लेने वाले व्यक्ति को शपथ पत्र देना होगा कि वो नौकरी ले लेने के बाद उस व्यक्ति के आश्रित का भरण पोषण करेगा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर कार्यवाही भी होती है। इसके अलावा मृतक आश्रित के लिए कुछ और नियम और शर्तें हैं वो जान लेना भी जरूरी है। जैसे अनुकंपा नियुक्ति को 25 साल से अधिक समय होने पर नहीं दिया जा सकता, यानी 25 साल बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है, जिसमें अगर बच्चे नाबालिग हैं तो वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति मृतक आश्रित के लिए आवेदन कर रहा है तो फिर वो मृतक कर्मचारी की विधवा या विधुर जो कोई भी है वो पुनर्विवाह यानी कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की होनी चाहिए। तीसरी शर्त के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर दी जाने वाली नियुक्ति किसी भी समय परिवार के किसी अन्य सदस्य को ना दी गई हो, यानी एक बार में एक व्यक्ति को ही अनुकंपा आधारित नौकरी दी जा सकती है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग शर्तें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1999 में एक नई नीति बनी जिसके मुताबिक ये कहा गया कि ये जो समय सीमा होगी इसमें 5 वर्ष से अधिक की छूट दी जाएगी। इस छूट को जो देना है वो मुख्यमंत्री दे सकते हैं, वो पुनर्विचार कर सकते हैं कि क्या परिस्थिति रही कि व्यक्ति 5 वर्ष के बाद भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर सका, और उन परिस्थितियों को कंसीडर करते हुए वो ये छूट दे सकते हैं कि वो 5 साल के बाद भी आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा एक नियम ये भी कहता है कि अगर सरकारी नौकरी में दोनों लोग हैं, यानी पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकंपा नौकरी नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे में माना जाता है कि वो आर्थिक रूप से सशक्त हैं। तो ये कुछ नियम और शर्तें हैं जिनके मुताबिक आप अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।